वेलकम दोस्तों, आईपीएल टीम के टॉप मोमेंट्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करते हैं राजस्थान रॉयल्स के टॉप मोमेंट्स अभी तक उनके आईपीएल के जर्नी में। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आपका क्रिकेट। तो दोस्तों, जो पहला मोमेंट हमने चूज किया है राजस्थान रॉयल्स के लिए वो है इनॉगरल आईपीएल चैंपियंस विदाउट एनी मेगा स्टार्स इन 2008। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि राजस्थान रॉयल्स की 2008 में जब उनकी वो टीम थी उसमें कोई बड़े मेगा सितारे नहीं थे। उनकी एक काफ़ी यंग टीम होती थी। अब मैं अभी भी याद है, यंग रविंद्र जडेजा होते थे, टीनेजर होते थे वो, और राजस्थान रॉयल्स को बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया शेन वॉर्न ने, और हम काफ़ी मिस भी करते हैं शेन वॉर्न जैसे लेजेंड को। 2008 में सुहेल तनवीर ने जीती थी पर्पल कैप, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था राजस्थान रॉयल्स को ट्रॉफी जिताने में। राजस्थान रॉयल्स का फाइनल हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, एमएस धोनी की टीम जिसमें काफ़ी सारे स्टार्स थे, और राजस्थान रॉयल्स ने वो मैच को लास्ट बॉल पे जीता जब सुहेल तनवीर ने लास्ट बॉल पे चौका लगाया, और राजस्थान रॉयल्स बने फर्स्ट टाइम आईपीएल चैंपियंस इन द फर्स्ट ईयर। तो दोस्तों, जो सेकेंड मोमेंट हमने चूज किया है वो है यूसुफ पठान का 100 इन ओनली 37 बॉल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोस्तों, ये मैच हुआ था 2010 में, और मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा टारगेट दिया था चेस करने के लिए। उन्होंने 212 रन बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स को 213 रन का टारगेट दिया था। राजस्थान रॉयल्स के 4 आउट काफ़ी जल्दी हो गए थे और वो कोई पोजिशन में नहीं थे मैच जीतने का, बट यूसुफ पठान ने उस मैच में जान डाली। उन्होंने 8 छक्के मारे और आईपीएल की सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी जो अभी तक है वो उन्होंने लगाई ओनली इन 37 बॉल। दो राजस्थान रॉयल्स ये मैच हारे लेकिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट अभी भी उनके फैंस याद रखेंगे, और ये इतनी एंटरटेनिंग इनिंग्स थी यूसुफ पठान की कि ये भी बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो दोस्तों, जो थर्ड मोमेंट है जो हमने चूज किया है वो है सुपर ओवर विन इन 2014 वर्सेस KKR। तो दोस्तों, इस मैच में दोनों टीम्स ने 152 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करी और अजिंक्य रहाणे ने बनाए थे 72 रन और टोटल रहा 152। वहीं KKR चेस करते वक्त भी 152 ही बना पाई, तो इसी के चलते मैच सुपर ओवर तक गया और KKR ने सुपर ओवर में पहले बैटिंग करी और 11 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स को चाहिए थे 12 रन जीतने के लिए। सुनील नारायण ने वो ओवर किया KKR के लिए, और वहीं लास्ट बॉल पे चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को 3 रन चेस करने के लिए और जीतने के लिए, और स्ट्राइक पे थे स्टीव स्मिथ। अब दोस्तों, सीन ऐसा हुआ कि अगर वो एक बॉल पे 2 रन बना देते और राजस्थान रॉयल्स भी 11 रन तक पहुंच जाते तो दोस्तों सुपर ओवर का स्कोर हो जाता टाई, लेकिन राजस्थान ऑन बाउंड्री काउंट KKR से आगे निकल जाती क्योंकि उन्होंने ज्यादा बाउंड्री स्कोर किए थे मैच में, और स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी तरह से अपना ब्रेन अप्लाई किया और लास्ट बॉल को ओवर हिट करने की कोशिश नहीं करी और उसको गैप में मारा, और वो 2 रन भागे और राजस्थान भी 11 रन तक पहुंच गए और बाउंड्री काउंट्स पे राजस्थान रॉयल्स मैच जीत गए। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था और बहुत बढ़िया तरीके से अपना दिमाग चलाया स्टीव स्मिथ ने। अब दोस्तों, जो चौथा मोमेंट है जो हमने चूज किया है वो है हाइएस्ट चेज इन आईपीएल हिस्ट्री वर्सेस पंजाब इन 2020 एट शारजा। दोस्तों, पंजाब ने पहले बैटिंग करी और 223 रन बनाए जिसमें मयंक अग्रवाल ने एक धुआंधार 100 बनाया। राजस्थान रॉयल्स चेज में बने जरूर रहे, बट एक टाइम ऐसा आ गया जब 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे, तो काफी एक इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो गया था। संजू सैमसन भी आउट हो गए थे, बट राहुल तेवतिया जो टिके हुए थे क्रीज पे उन्होंने शेल्डन कॉटरेल के ओवर में 5 छक्के लगाए और मैच का एकदम ही पासा पलट दिया। उनकी इस इनिंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज करने में सक्सेसफुल बनाया, और तब से राहुल तेवतिया एक बहुत बेहतरीन फिनिशर बन गए हैं आईपीएल में। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मोमेंट जो हमने चूज किया है वो है जॉस बटलर का डोमिनेंस इन 2022 सीजन। 2022 सीजन रहा एकदम जॉस बटलर के नाम। जॉस द बॉस ने 863 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 57 एंड 149 स्ट्राइक रेट। दोस्तों, इसी सीजन में उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी इक्वल किया और 4 सेंचुरीज लगाई
एक ही सीजन में। दो राजस्थान रॉयल्स 2022 वाला आईपीएल नहीं जीते, बट वो 2008 की बाद अब जाके फाइनली क्वालिफाई करे फाइनल्स के लिए, और इसमें जॉस बटलर का बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों ये थे वो 5 राजस्थान रॉयल्स के ऐसे मोमेंट्स जो हमने चूज किए। अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स के बड़े फैंस हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके लिए राजस्थान रॉयल्स के वो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको लगे अभी तक के उनके आईपीएल के जर्नी में काफी स्पेशल। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो और आपको काफी फ्लैशबैक्स भी आए हो। तो अगर आपको मजा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।